नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का सोशियोलॉजी का पेपर है। ये आपका सोशल चेंज वाला सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर की हम बात कर चुके हैं, आइए बात करते हैं पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए और आंसर की क्या क्या यहाँ पर रहने वाली है। 1 से 2 घंटे का एग्जाम हुआ है और 60 नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं। कम से कम आपको 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आर्गबन का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन प्रमुखता निम्न कारणों से होता है। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, तकनीकी नवाचार। और उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा संबंधित है। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके अंदर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा कि यहाँ पे सारोकोन की सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत ने सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालियों को 3 प्रमुख कारणों के वर्गीकृत किया है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आदर्शवादी। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में पूछा मार्क्स के विचार में पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर संक्रमण भी शामिल है। 4 नंबर में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन का मतलब होगा सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपति वर्ग का क्रांतिकारी तख्ता पलट। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार उनके समाज के मॉडल में आधार या बुनियादी ढांचे में शामिल है। तो 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्पादन के साधन। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में जिसे परिभाषित किया है। तो 6 में कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मेक्यावर और पेज। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, 1922 में सोशल चैन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 7 में कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आर्गबन। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में है कि समाज शास्त्री ने शहरीकरण की प्रक्रिया के दौरान सामुदायिक भावना को निरंतर हास की जोर दिया है। 8 में कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टोनिज। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा 9 नंबर में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक गैर भौतिक अभौतिक। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, कि समाजशास्त्री ने आधुनिकता के जीवन को निरंतर अपनी बढ़ती तर्कसंगतता तार्किकता के संदर्भ में परिभाषित किया है। 10 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, डी का मतलब होगा वेबर। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक डार्विनवाद के विचार से संबंधित है। तो 11 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, बी का मतलब होगा स्पेंसर। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसके राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, समाज शास्त्र में संस्कृतिकरण के शब्द मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका ये कौन सा यहाँ पे है क्वेश्चन है 12 नंबर, तो 12 नंबर में सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निचली जातियों उच्च जातियों के रीति रिवाजों और प्रथाओं को अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर आने वाला है, 13 नंबर में कौन सा होगा, सी ऑप्शन। भारत में पश्चिमीकरण का सर्वाधिक प्रभावित किया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर आने वाला है, कि समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है MN श्रीनिवास ने। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में पश्चिमीकरण का अक्सर निम्नलिखित में रूप में देखा जाता है। तो 15 में कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सांस्कृतिक समाज साम्राज्यवाद। उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 16 नंबर में बी ऑप्शन हो जाएगा। और हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आएगा जाति व्यवस्था की मूल संरचना को नहीं बल्कि केवल जाति विशेष की स्थिति को बदलता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में संस्कृतिकरण सीमित है क्योंकि यह है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 18 जो क्वेश्चन है, 18 के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा पे, 16 के अंदर कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पे, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पारंपरिक कृषक समाजों में आधुनिक औद्योगिक समाजों में संक्रमण। ठीक है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में ए ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, भारत में संदर्भ में आधुनिकीकरण ने निम्नलिखित को जन्म दिया है, यानी कि पारंपरिक जाति और आधारभूत व्यवसायों की ओर वापसी। उसके बाद में आता है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का मतलब होगा पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट आता है 20 नंबर जो क्वेश्चन है,
20 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 20 में डी ऑप्शन आएगा। तो डी का मतलब क्या होगा? सांस्कृतिक कारकों की भूमिका की अपेक्षा के लिए। तो यहाँ पूछा है समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण सिद्धांत की अक्सर आलोचना की जाती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 में कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। अब पूछा है संस्कृति का कौन सा पहलू अक्सर भारत में सामाजिक परिवर्तन के बाधा के रूप में कार्य करता है? तो पारंपरिक मूल्य और मान्यता और प्रथाएं करती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आएगा राइट आंसर, यहाँ पे सी ऑप्शन ही राइट आंसर आने वाला है। भारत में जाति आधारित भेदभाव सामाजिक परिवर्तन में बाधा के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक असमानताओं को कायम रखकर। नेक्स्ट आता है 23 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास प्रमुख यन की मुख्य रूप से जोर देता है। 23 में कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, भविष्य की जरूरतों के साथ वर्तमान संसाधन उपयोग को संतुलित करने के लिए। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकास के संदर्भ में सामाजिक पूंजी का तात्पर्य है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 में कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है जनसंख्या का आकार संरचना समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जनसांख्यिकी कारकों में शामिल है। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 26 में सी ऑप्शन हो जाएगा, समाज और संस्कृति और लोगों के बीच बातचीत आदान प्रदान को बढ़ाता है, वैश्वीकरण को सामाजिक परिवर्तन का एक कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन क्या है? 27 में कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में परिवर्तन। नेक्स्ट आता है 28 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, अपरिहार्यता, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में आता है 29 नंबर क्वेश्चन, 29 में ई ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा उद्दीकास, किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन कर्मिक होता है जो लंबी अवधि में घटित होता है। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की सामान्यता विशेषता होती है। 30 नंबर में कौन सा होगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अचानक और व्यापक परिवर्तन। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सामाजिक उद्दीकास का उपधारण कौन सा है? 31 में कौन सा होगा? बी ऑप्शन, लिंग भूमिकाओं में कर्मिक परिवर्तन। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सामाजिक क्रांतियों तब गठित होने की सबसे अधिक संभावना होती है जब मौजूदा व्यवस्था में काफ़ी असंतोष है। और उसके बाद में आता है 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्या आएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सामाजिक उद्दीकास की अवधारणा को किस समाजशास्त्री द्वारा लोकप्रिय बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 34 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र का कौन सा सिद्धांत बनता है जो सामाजिक परिवर्तन की संचार मीडिया में तकनीकी नवाचार से प्रेरित होता है? 34 में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तकनीकी निर्धारणवाद। नेक्स्ट आता है 35 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन जो वांछित लक्ष्य निर्देशित होता है वो उसे कहा जाता है। तो 35 में कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, विकासात्मक नियोजित परिवर्तन। नेक्स्ट आता है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 में निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों को जिसमें सामाजिक परिवर्तन को सृजनात्मक विनाश की प्रक्रिया के रूप में देखा, 36 में कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर रहने वाला है। 37 का मतलब क्या हुआ? कौन सा सिद्धांत यह है मानता कि सामाजिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है? तो यहाँ पे आएगा संघर्ष सिद्धांत। उसके बाद में बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? दुर्खिम, कि समाजशास्त्री ने आधुनिकता की और परिवर्तन की यांत्रिक सुदृढ़ता में परिवर्तन के संदर्भ में दर्शाया गया है। उसके बाद में आता है 39 नंबर क्वेश्चन, 39 जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक अंतराल। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन 40, 40 क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, विचारात्मक इंद्रिय जनन संस्कृतियों के मध्य की सौरकोण के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किन सीमाओं के मध्य घूमता है। 200 पेपर आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग आपको 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होने चाहिए पास होने के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।